ये बोलते हैं कि जो नकल कराएगा उसके ऊपर रासुका चलाएंगे, लगाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। कहाँ है रासुका, कहाँ है बुलडोजर, ये भगवान ही जाने। हुए थे ये, बोले थे बच्चों को लैपटॉप देंगे और उसके साथ हम नेट भी फ्री देंगे। लेकिन ये किए क्या कि चुनाव के टाइम बोले कि अभी हम 22 लाख लैपटॉप देंगे, वो भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, बस सिर्फ सारे वादे इनके फर्जी। भैया रोड बन रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है, हम लोग को पानी अच्छा जी आ रहे हैं, जाके देखिए रोड रिपेयरिंग हो रहा है। जब आइए रुके रुके रोड बन रहा है, अभी गड्ढा रहेगा। एक बार अमित शाह गुजर जाए, नरेंद्र मोदी गुजर जाए, आदित्य योगी नाथ गुजर जाए, तो रोड रातों रात चिकना हो जाता है। फिर 10 दिन बाद गैस पाइपलाइन है तो कहीं सीवर है तो खोद खाद के लम्बे। रैली को देखते हुए, आगामी चुनाव को देखते हुए विकास को दिखाया जा रहा है, लेकिन विकास भटक चुका है अपने रास्ते पर से। विकास हवा में है, पेपरों में है, पेपरों में है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी वो क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की नंबर वन सीट, संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है। खुद यहाँ से जीत के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी चुनाव चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि जो टेट का एग्ज़ाम था वो लीक हो गया पेपर उसका, और वो एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। और उसके अलावा जो यूपी एग्ज़ाम चल रहे हैं, छात्र की समस्याएं बढ़ रही हैं, कई छात्रों ने प्रोटेस्ट भी करा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यूपी में किसकी सरकार आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है? सौरभ पांडे सर। सौरभ पांडे जी, क्या एग्ज़ाम देने आए हो यहाँ पे? एग्ज़ाम सर देने आए थे, लेकिन जब एग्ज़ाम देने गए तो 20 मिनट एग्ज़ाम भी हुआ, उसके बाद अचानक हमसे बोला गया कि अब पेपर कैंसिल हो गया, पेपर और बुकलेट आप जमा करो जाओ। ये हो रहा है, आप ये समझ लीजिए इतनी परेशानियाँ हो गई। मतलब इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को उत्तरदायी होना चाहिए कि मतलब पेपर लीक ना हो जाए, लेकिन फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा किस प्रकार के। मेरा एक सवाल है, पेपर कैंसिल हो गया लेकिन जो लोग यहाँ से आए, होटल लिया होगा, किराया लगाया होगा? सर होटल तो मिल ही नहीं रहा, सारा ओयो पे होटल बुक है। यही मुझे लेके पन्नी भी नहीं मिल रही, ऐसी हाल है, देख नहीं रहे आप यहाँ काफी देर से, सब लोग टहले ही जा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। देखिए समस्या, साल तो खराब हो ही रहा है स्टूडेंट का, लेकिन उससे बड़ी कि हम भी जब यहाँ पर आज ही आए, हमें भी होटल नहीं मिल रहा था, मारा मारी इतनी है, दो दो ढाई ढाई हजार रुपए का रूम मिल रहा है, ऐसे में स्टूडेंट का पैसा कौन देगा? उस पर भी नहीं मिल रहे, अचानक से ओयो वाले भी पैसे बढ़ा दिए हैं कि जिस तरह ऐसे आप किस तरीके से सो रहे हैं, ये दिखाइए दिखाइए, ये आप देखिए ये स्क्रीन पे, ये भैया कंडीशन बहुत बुरी है भैया, सारी असुविधा है। योगी जी ऐसे बोल दे रहे हैं बसें फ्री हैं, कुछ भी नहीं फ्री है, ट्रेन में जगह नहीं है, ऐसी कंडीशन है, ट्रेन में जगह ट्रेन में जगह भी नहीं। चलो ये तो खैर समस्या झेल ली जाएगी, लेकिन जो साल खराब हुआ उस पर क्या कहें? साल खराब क्या भैया, बोले कि एक महीने में एग्जाम कराएंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ उल्लू बनाने का काम रही है लड़कों को, बस जिससे वैकेंसी ना निकालनी पड़े ऐसा हो रहा है। नौकरियां नहीं है तो ये कैंसिल करवा दिया ताकि बहाना मिल जाए। वादे इनके सिर्फ किताबों में है, मुंह से ये बोलते हैं कि जो नकल कराएगा उसके ऊपर रासुका चलाएंगे, लगाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। कहाँ है रासुका, कहाँ है बुलडोजर, ये भगवान ही जाने। 21 लाख 22 लाख लोगों का मतलब जीवन बेकार हो रहा है, वो पेपर देने जा रहे हैं कैंसिल हो रहा है, और उसके बाद ये सिर्फ 2 मिनट के लिए एक ट्वीट कर दे रहे हैं, उसके बाद स्पीच में बोल दे रहे हैं कि हाँ हाँ हम कार्रवाई करेंगे, उनके उनको उनके सही घर भेजेंगे, जेल भेजेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ 2-4 लोगों को पकड़ लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ऐसा आप बताइए, हम इनके साथ हो रहे हैं, इतने दूर दूर से लड़के परेशान हो रहे हैं बेचारे, ये है कुछ है ही नहीं है, बहाना हो जा रहा है कि नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लड़के बेचारे उतने दूर दूर से आ रहे हैं। आज तो ये लग रहा है कि एग्जाम लीक करवा के बचाया जा रहा है कि नौकरियां ना देनी पड़े, और क्या यही हो ही रहा है, यही हो ही रहा है, ये सब जो है फालतू काम है। बच्चे हमारे वायरल हो रहा है, आप समझ लीजिए कि किसी को आप न्योता भेज रहे हो कि फॉरवर्ड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मतलब पेपर हो रहा है मजाक। लीक तो पेट वाला भी एग्जाम हुआ था, लीक तो यूपीएसआई भी हो रहा है, लेकिन इसको क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? उसको इसलिए कैंसिल कर दिया कि इनको वैकेंसी ना निकालना पड़े, बहाना मिल जाए, उधर आचार संहिता लग जाएगा। यूपीएसआई की इसलिए क्योंकि पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम नौकरियां देंगे, ठीक है, तो इसलिए यूपीएसआई का कैंसिल नहीं किया, और न पेट का कैंसिल किया, न उसपे कोई वैकेंसी निकल रहा है। यूपी टेट का तो पेपर वायरल हुआ ठीक है, लेकिन ये जानबूझ के नई शिक्षक भर्ती की मांग करते हुए इतने लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेली डंडों से मारा जा रहा है, किसी का सर फट रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल सोई हुई है, कुछ भी नहीं करना है इनको। ये मुद्दा हटा दे तो कुछ काम काज किए गवर्नमेंट ने सरकार में? रोड को छोड़ के भैया, पब्लिक को रोड पे लाना है, इन्हें बस रोड ही बनवाए, बाकी कुछ भी नहीं किए। अच्छा, हाँ। रोड बनवाए, रोड बनवाए ताकि जनता को रोड पे ला सके, यही है। रोड देखिए, पहले पेड़ देखिए कि रोड देखिए,
रोटियां खा के दिए, रोड खा के दिए, इसीलिए तो रोड बनवाए। रोटियां मेरे भाई खा के दिए, पेटवा रोटियां मैं खा के दी, रोड खा के दिए। बताओ पेट में जाकर ताकत रही, तबियत भी चलिए कि बिना ताकत के चली रोटियां पर, जो रोटियां चिकनी बना सो जिए। अच्छा, कोई काम काज नहीं किया? कौन काम किए थे? कौनो काम किए थे? क्या नाम है? वसीम। अच्छा, कोई संतुष्टि नहीं? कोई नहीं है, कौनो लंच नहीं है। अच्छा, किसकी सरकार देखेंगे इसके बाद? अखिलेश की सरकार। अच्छा, परेशान होगा इस सरकार? बहुत परेशान हो गए। बम्पर आएगी। कोई क्या नाम है सकता है? अशोक यादव। अशोक जी, तो कोई रोक नहीं सकता? कोई नहीं रोक सकता है। क्या वजह? किसी इंसान से पूछिए कितना परेशान है। स्टूडेंट तो परेशान है ही, आप भी अच्छे अच्छे विद्यापीठ अभी अच्छुक लड़के ऑटो चला रहे हैं। ये स्थिति छोड़िए, 2017 में जब चुनाव हुए थे ये बोले थे बच्चों को लैपटॉप देंगे और उसके साथ हम नेट भी फ्री देंगे, लेकिन ये किए क्या कि चुनाव के टाइम बोले कि अभी हम 22 लाख लैपटॉप देंगे, वो भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, बस सिर्फ सारे वादे इनके फर्जी। और ये देने की, हाँ कुछ भी नहीं दिए, देने की बात किए। पढ़े लिखे लड़के भी चला, रिक्शा चला रहे, ऑटो के बाद छोड़ा रिक्शा चला रहे। बात करेंगे, और कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? उमाकांत शर्मा। उमाकांत, उमाकांत जी कैसे रहे योगी सरकार के काम? अच्छा सर, बिल्कुल अच्छा। पब्लिक तो बड़ी नाराज दिख रही है। बहुत अच्छा काम है। क्या अच्छे काम हुए? चोरी उड़ी सब जो है बंद हो गए। चोरी वगैरह बंद? हाँ बंद हो गए। क्रिमिनल क्या हुआ? ध्यान दिलाने काम करवा भी था, रोड उड बनवा रहा था, सब काम बहुत बढ़िया करते। अच्छा, अभी ऑटो चला रहे हैं, अभी TI पकड़े जो दूना हो गया, कहता 1000 रुपया दो छोड़ देंगे, और ले जाओगे तो 5000 लगेगा। चोरी तो पकड़ लीजिए। भविष्य बता रहे हैं? भविष्य नहीं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भविष्य तो कोई नहीं बता पाया आज तक। क्या बता रहे हैं आप? पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे। पूछिए, पूछिए रहे हैं कि क्या होगा यूपी चुनाव में इस बार? यूपी चुनाव में इस बार मोदी योगी आएंगे। काहे आएंगे? काहे क्योंकि इसलिए मोदी योगी आएंगे। अच्छा किए हैं? अच्छा काम हुआ? क्या अच्छा काम हुआ? ये देखिए यूपी का पुल। भैया भी एक साल पहले यही ब्रिज गिरा था शायद, जो यही ब्रिज गिरा था। अच्छा अच्छा बताइए, यही ब्रिज गिरा था एक साल पहले? भैया रोड बन रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है हम लोग को, पानी अच्छा। मोदी जी आ रहे हैं, जाके देखिए रोड रिपेयरिंग हो रहा है। जब आइए, रुकिए रुकिए, रोड बन रहा है, मोदी जी आ रहे हैं तो रोड रिपेयरिंग होने लग रहा है, उसके बाद ये डबल डबल गड्ढा हो जाए रोड की। नेता पैता के लिए बनता है, हमसे जानकारी बताइए। पब्लिक के लिए बनता है? पब्लिक के लिए रोड बनता है ना, अभी गड्ढा रहेगा। एक बार अमित शाह गुजर जाए, नरेंद्र मोदी गुजर जाए, आदित्य योगी नाथ गुजर जाए, तो रोड रातों रात चिकना हो जाता है। फिर 10 दिन बाद गैस पाइपलाइन है तो कहीं सीवर है तो खोद खाद के लम्बे। 1 महीने पहले आया था यहाँ पर, 1-1.5 महीने पहले, तो ये पेंट वगैरह कुछ नहीं हुए थे? कुछ नहीं हुए थे। मोदी जी आ रहे हैं इसलिए? इसके वजह से हो रहा है। हाँ, रैली को देखते हुए, आगामी चुनाव को देखते हुए विकास को दिखाया जा रहा है, लेकिन विकास भटक चुका है अपने रास्ते पर से। आया विकास हवा में है, पेपरों में है, पेपरों में है, पेपरों में है विकास। आप अगर अभी आप दैनिक जागरण का पेपर उठा के देख लीजिए, शुरू से लेके लास्ट के एंड तक के पेपरों में सिर्फ नरेंद्र मोदी के विकास के बारे में दिखाया जाता है, सिर्फ दिखाया जाता है, और कुछ भी नहीं है। इस सरकार में सिर्फ एक ही चीज सुरक्षित है, वो है रोड पे चलते हुए सांड, और कुछ भी नहीं। अगर आप सांडों को कुछ करेंगे तो आप जेल भेज दिए जाएंगे, अगर रेप भी होता है तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर गलती से सांड को कुछ की नहीं बचेगा। राजे आप बताइए, बात और है, आज ही का देख लीजिए, यूपी टेट का आज एग्जाम था, ठीक, एग्जाम कैंसिल हो गया। बताइए इसका किसको ऊपर, किसके ऊपर फोड़ा जाए, कौन है जिम्मेदारी? तो सरकार की। तब बताइए सरकार कह देगी, राजस्थान में भी विपक्ष मुद्दा उठाएगा, कहेंगे राजस्थान में भी लीक हुआ है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ, विपक्ष मुद्दा उठाएगा तो विपक्ष को वो बोल देंगे कि भैया राजस्थान में भी लीक हुआ था तुम्हारा, तो एक दूसरे पे बोल डाल देंगे। इतने बड़े पेपर हो रहे हैं तो पैसा किसका गया? जनता का गया, रूम लिए, किराया लगाया, लोग इतने दूर दूर से आए, ठंड में आए, और थोड़ा देर पेपर चला। अगर पेपर आपको जब पता था लीक है, कल से ही लीक हुई थी पेपर, लेकिन 7 बजे से पेपर मिला है सबको, 7 बजे, लेकिन क्यों नहीं कैंसिल किया गया? अब नोटिस पढ़े बताइए। हाँ, नोटिस में बिना कारण बताए हुए लिखे हैं कि अपरिहार्य कारणों से, मतलब ये कारण भी नहीं जानती। ये नहीं बोल रहे हैं कि लीक हो गया हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से, लापरवाही की वजह से, ये नहीं बोल पा रहे हैं सचिन। जान लेते हैं, युवा नाराज है बहुत ज्यादा इस सरकार से, आप बताइए नाराज है खुश है? ये सब सही है, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। सही हो रहा है क्या? सही हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पूरा साल खराब। पेपर तो यार हमेशा लीक होता है, एक बैग लीक होता है। सरकार में फर्क
भैया बड़े हैं तो इन्होंने पेपर पेपर एक बैग लिख होता है हमेशा के लिए। ठीक है, एक सवाल पेपरों को छोड़ देते हैं, योगी सरकार के कामकाज कैसे रहे, 5 साल होने वाले हैं, सब चकाचक हो रहा है, क्या काम चकाचक हुए, ये देख रहे जब ये आते एकदम रोड, यही तो कह रहे हैं ये मोदी जी आ रहे हैं इसलिए हो रहा है। नहीं नहीं ये गलत बात है। और क्या, चलो 5 काम बताइए बढ़िया बढ़िया से योगी जी के। अरे रोड बन रहा है, जहाँ भी विकास हो रहा है सब भैया वो इनसे पूछ लेते हैं पहले, नहीं तो नाराज हो ये खुश है तो इनसे पूछ लेते हैं ना खुश का है बता क्या आप बता दो क्या बताएं योगी जी के कामकाज कैसे रहे, क्या बताएं हम लोग, जनता पूरी देख रही है अब बताया क्या जाए, क्या बताएं आप बताइए, आप भी तो जनता हो, वही तो कर रहे हैं बनारस क्यों, हम बनारस से पूछना है, मोदी जी का शहर है ये, इसीलिए तो कर रहे हैं या काम इसी बात का रोना है, मोदी जी का शहर है फिर भी, हाँ फिर भी समझ जाइए कि आदमी को इस समय क्या चाहिए, रोड पे बैठा के चला दीजिए बिना बताए वो यहाँ आ जाए, रोड पे खुद चले चलो चला कमर में हुक ना चली जाए मोदी, अच्छा बोलने सही कह रहे क्या सही है यहाँ ले रोड भाई जो है सब सब सही है, अपने जगह सब सही है, योगी जी सही रहे इस सरकार में या नहीं रहे भाई, हम मोदी जी को जान रहे हैं, योगी जी को क्या जान रहे हैं, मोदी योगी जी के जरिए मोदी जी है, मोदी जी के जरिए न योगी जी है, लेकिन चुनाव तो राज्य के हो रहा है तो भाई है तो मोदी जी के जरिए न है, इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं भाई, किसकी बताए, जिसकी सरकार उसकी हल लो जनता, सरकार तो मोदी जी योगी जी की है, लेकिन ये है कि भाई आज के डेट में ये मान लीजिए मोदी जी के जरिए आज के घर में कोई कि 20-25 किलो अनाज है तो है मोदी जी के जरिए करिए, ये तो क्या कर दिए वो अपनी जगह है, लेकिन आज के घर में 50 किलो अनाज है तो है, सब छोड़िए आप हमने पुल के नीचे देख लीजिए, अब वो क्या है, हमने पुल के नीचे देख लीजिए, पुल के नीचे देख लीजिए क्या है, देखिए कितने गरीब यहाँ पे बसे हुए हैं, 50 किलो है भैया है, निराश कर रहे सही करे सही है, हाँ अनाज मोदी जी की वजह से, हाँ भैया बात सही करे, डीजल का दाम बढ़ा के दे रहे घर से नहीं, सब सब सभी ने बोला कि यहाँ गेहूँ चावल मिल रहा है, ये सब देखिए यहाँ देख लीजिए पुल पे देख लीजिए पुल के नीचे देख लीजिए, सब देखिए पुल बना दिए मैं नहीं बता रहा भैया मिल रहा है, इस खबर को अभी लाइक करें शेयर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।